गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज सैटरडे मॉर्निंग की बज रही हैं 9:48 और आपके भाई ने जिम चालू कर दिया। लगभग तेरे भाई ने कर दी जिम शुरू? 15 दिन हो गए, ठीक है, क्योंकि इस मटके को अब कवर करना है क्योंकि बहुत गंदा दिखता है। ये देखो कितना गंदा दिखता है मटका, दिख रहा है ना? तो इसको अब कम करना है क्योंकि इस मटके की वजह से अपनी राइडिंग पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अपन हाई एटीट्यूड वाले एरिया में जाते ही घबरा जाते हैं। ये चीज़ आपको मैंने नहीं बताई क्योंकि मैंने कहा रोटेशन अच्छा जम जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, फिर आपके बताएंगे। तो अभी तो 15 दिन हुए हैं और 15 दिन में भी मैं 9 दिन ही जिम आया हूँ, ठीक है, क्योंकि शादियाँ, छुट्टियाँ, आलसीपन, इस वजह से। जिम या व्यायाम हर इंसान को करना चाहिए। देखो मैं तो एक चीज़ कहूँगा, आप जिम करो, एक्सरसाइज करो, सुबह वॉक करो, सब होना। लॉकडाउन से पहले मैं रोज़ाना सुबह, मतलब मेरा हमेशा का रूटीन था, 5 बजे उठ के वॉक पे जाता था मैं और अच्छी खासी वॉक करता था। मेरा पेट भी अंदर तक फिट था, एकदम पुराने फोटो में आपको दिखूंगा, फिट बॉडी थी मेरी। अपन को बाहुबली नहीं थी बट फिटनेस अच्छी थी, फिट थे अपन, अच्छे दिखते थे। अगर लॉकडाउन के बाद में खान पान ऐसा हो गया, रोटेशन ऐसा हो गया और फिर पता नहीं मटका ऐसा बाहर आ गया कि ये कम होने का नाम ही ले रहा है। तो अब फाइनली पहले भी 2 बार जिम ज्वाइन की पर वहाँ पे थोड़ा सही नहीं था मामला यार, ट्रेनर सही नहीं थे। ट्रेनर मतलब क्या, मैं भी आलसी था, कुल मिलाकर तो मैं आलसी हूँ। ट्रेनर क्या करे, ट्रेनर में जाऊँगा तो वो ट्रेनिंग कराएगा ना मुझे। तो इस बार एक ज़बरदस्त बंदे को पकड़ा अपन ने, तो देखते हैं इस बार रिजल्ट क्या आते हैं। इस बार मुझे मतलब अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है, इस बार रिजल्ट पॉजिटिवली आएंगे कि जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो इनको मैं पसंद कर रहा हूँ, सब आजकल जिम बॉडी बॉडी बना रहे हैं। सत्या सागर आप देख रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पे भी देखिए क्या ज़बरदस्त उनकी फिजिक्स के फोटो आए। अपन नॉर्मल यूट्यूबर की बात करें, बॉडी बिल्डर ने राजवीर भैया और रूबल भाई, इन सब की तो बॉडी ज़बरदस्त है क्योंकि वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। बट एक आम यूट्यूबर, आम इंसान जो है उसके लिए कहाँ, उसमें भी सत्या भाई सबसे ज़बरदस्त बॉडी बनाई है, क्लासिक बॉडी लग रही है, सिक्स पैक भी दिख रहे हैं, अच्छे डोले शोले भी दिख रहे हैं और शानदार बॉडी दिख रही है। तो अपने को भी वैसी बनानी है, अपने को कोई बाहुबली नहीं बनना है बट फिटनेस सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गो गाइस, लगते हैं इस काम पर। रोजाना आपको अपडेट दी जाएगी कि मटके का क्या हाल चाल है, कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं यहाँ भी द नेक्स्ट डे। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया गाइस, मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ। मेरे सभी भाइयों, बहनों और सभी चाहने वालों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। सुबह अपन ने ऑफिस में पूजा की, भगवान का नाम लिया, सभी भगवानों को नहलाया धुलाया, उनका सबको सेवा पूजा की, उसके बाद मंदिर गए। मंदिर से आने के बाद में अभी दिन की लगभग 2:05 हो रही है और अभी अपन चल रहे हैं। अपने एक मित्र हैं, अपने मोबाइल वाले जो भैया है ना, रिलेशन मोबाइल वाले दोनों भाई, उनके न्यू घर का इनोग्रेशन है, तो अपन वहीं जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त घर बनाया है, बहुत शानदार घर बनाया है और सबसे बड़ी बात क्या, उनका जो प्लॉट, जो जिस प्लॉट पर उनका मकान बनाया है, वो प्लॉट खरीदने में अपना अहम रोल था कहीं ना कहीं। तो बड़ी खुशी होती है कि मेरे दोनों भाइयों ने बहुत ज़बरदस्त मकान बनाया है, लगभग 2 करोड़ के आसपास का मकान बनाया है और आलिशान और बहुत ज़बरदस्त मकान बनाया है। तो चलिए अपन वहीं चल रहे हैं अभी, ठीक है दोस्तों, बने रहो। ये गाइज आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मकान बनाया है, ये देखिए यहाँ पर है मकान इनका। तो चलिए अभी अपन चलते हैं सीधा अंदर और मिलते हैं दोनों भाइयों से, बधाई देते हैं उनको और बात करते हैं। ये देखिए गाइज, ये मेन डोर है घर का, ये इंटीरियर बाहर का पूरा।
वैकेशन से अपन आ चुके हैं, अब थोड़ी देर ऑफिस बैठते हैं, कुछ काम है। और कल जिस बारे में मैंने कहा था कि अपने को विस्तार से बातें करनी है, उसके लिए अपन ऑफिस आए हैं, ठीक है। तो वो भी ऑफिस ओपन करते हैं। सुबह वैसे अपन आके गए, सेवा पूजा करके गए, पर अब बैठते हैं, दो मिनट में रेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे आगे की बातें करता हूँ। लेट्स गो।